नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। जिला प्रशासन ने की अल्ट्रासाउंड डॉक्टरों के साथ लिंग संवेदीकरण को लेकर कार्यशाला आयोजित। जनपद मुजफ्फरनगर के डीएम कार्यालय स्थित जिला पंचायत सभागार में आज सीडीओ आलोक यादव की अध्यक्षता में पीसीपीएनडीटी अधिनियम 1994 के अंतर्गत जनपद स्तरीय लिंग संवेदीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में जनपद के अल्ट्रासाउंड सेंटरों के चिकित्सकों को लिंग संवेदीकरण के बारे में जानकारी दी गई और उन्हें गलत अल्ट्रासाउंड या लिंग की पहचान आदि करने के लिए खिलाफ कानूनी शिकंजा कसने की पूरी जानकारी दी गई और बताया कि वैसे भी जनपद मुजफ्फरनगर के अंदर लिंग अनुपात का जो अंतर है काफी ज्यादा है और हम सभी अल्ट्रासाउंड सेंटर के डॉक्टरों से कह चाहते हैं कि वह जिला प्रशासन का सहयोग करें और किसी भी हालात में लिंग की पहचान ना करें। अगर कहीं कोई अल्ट्रासाउंड सेंटर इस तरह की पहचान करता पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करते हुए हॉस्पिटल को भी सील कर दिया जाएगा। बैठक में अल्ट्रासाउंड सेंटरों के चिकित्सकों से सवाल जवाब भी किए गए और उनके विचार जानने गए। कार्यशाला में सीएमओ परवीन चोपड़ा ने सीडीओ आलोक यादव व सिटी मजिस्ट्रेट अभिषेक कुमार सिंह को गुलाब का फूल देकर स्वागत व सम्मानित किया। कार्यशाला में लाइव वीडियो के द्वारा पूरा कार्यक्रम दिखाया गया। वही कार्यशाला में सीडीओ आलोक यादव, सीएमओ प्रवीण चोपड़ा, सिटी मजिस्ट्रेट अभिषेक कुमार, डॉक्टर गीतांजलि वर्मा, वुमेन पावर लाइन बीना शर्मा सहित कभी सभी अल्ट्रासाउंड सेंटरों के वरिष्ठ चिकित्सक मौजूद रहे। विशाल प्रजापति, पवन, मुजफ्फरनगर। सर क्या किस तरीके कार्य का सवाल है? आज हमने एक पीसीपीएनडीटी कार्यशाला रखी थी जिसमें कि हमने सारे अल्ट्रासाउंड वालों सेंटर को बुलाया था। मुजफ्फरनगर वैसे भी ओवर सेंसिटिव है भ्रूण कन्या भ्रूण हत्या के लिए, इसके बारे में हमने अल्ट्रासाउंड सेंटर को सेंसिटाइज किया उनके बारे में। अगर हम निरीक्षण करने जाते हैं तो क्या चीज़ देखते हैं, किस तरह की चीज़ें देखते हैं, क्या क्या चीज़ देखते हैं, इसका पूरी तरह से हमने इनको दिया। हर एक व्यक्ति को, हर अल्ट्रासाउंड सेंटर में आए हुए को हमने अपनी प्रेजेंटेशन भी दी है कि अगर हम निरीक्षण करते हैं तो उसमें हम क्या क्या चीज़ देखते हैं और अगर वो सेक्स डिटर्मिनेशन करते हैं तो उसके लिए क्या क्या उनके सजा हैं और क्या क्या उसके प्रावधान हैं, सबको हमने इसी तरह से बता दिया। यह तरह की आप समझ लीजिए कि हमने उनको दिया। इसके बाद में हम लोग पीसीपीएनडीटी के अंतर्गत जो कमेटी बनी हुई है और वो अगर चाहेगी तो हम पूरे सेंटरों का निरीक्षण भी करने की कार्य योजना बनाएंगे। सर कब कब निरीक्षण होता है? कभी भी हो सकता है, अचानक भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, ये कोई इसके क्यों नहीं था। अगर कोई मतलब संवैधानिक मतलब उसमें कोई कमियां पाई जाती है तो किस तरह कार्रवाई होगी? अगर संवैधानिक कार्रवाई पाई जाती है तो उसके अलावा मैं अल्ट्रासाउंड सेंटर की सीलिंग, मशीन की सीलिंग और अन्य तरह की पनिशमेंट, लीगल पनिशमेंट का पूरी तरह से प्रावधान है जिसका पूरी तरह से डिस्कशन किया गया।